हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि अभिमन्यु यानी कि अभिपीडिया एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो है सीरीज़ चलाएंगे आपके लिए। ठीक है, आपके पास वीकली शेड्यूल जो है हमारी कम्युनिटी पोस्ट अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पर आपको जो है वीकली शेड्यूल इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस शेड्यूल में बेसिकली है क्या, हमने डिफरेंट डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स होते हैं जो आपसे यूपीएससी अक्सर पूछता है वो यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के आपको सिलेक्ट टॉपिक्स मिलेंगे, उनका एनालिसिस और जो भी आपके लिए प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें उस टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें होंगी वो उसमें डिस्कस की जाएंगी। उसके अलावा इकोनॉमी, ठीक है, उसके अलावा आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस मिलेंगी जहाँ पर आपके साथ जो कोर इश्यूज़ जो चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में वो डिस्कस किए जाएंगे। पॉलिटी की क्लासेस आपको मिलेंगी और आपके साथ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स जो हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। ज्योग्राफी का पार्ट जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे और ये सब टॉपिक्स जो हैं आपको एक सेलेक्ट शेड्यूल पे मिलेंगे। आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल अवेलेबल रहेगा पूरे वीक का कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो कौन से टाइम पर और कौन से दिन पर आएगी, ताकि आप अपना जो है उसी हिसाब से प्लान कर सकें। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको उसमें और सारा जो है डिटेल्ड एनालिसिस उसमें रहेगा। तो माय नेम इज केतन गर्ग एंड आई कवर इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर यू। ठीक है, तो मैं आईआर वाला पार्ट जो है आपके साथ डिस्कस, यहां पर जो आईआर की वीडियोस होंगी वो डिस्कस करूंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, आज हम बात करेंगे एनएसजी की। एनएसजी से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बार एनएसजी जो है बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। एनएसजी दो तरह के होते हैं, एक तो आपका होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, जिसको आप ब्लैक कैट कमांडोज भी बोलते हो, और एक आपका एनएसजी होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो हमारा आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सब चीजें देखेंगे, हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनको भी कवर करेंगे और मेंस के लिए जो हमारे लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है उसको भी हम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एनएसजी है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। एनएसजी की फॉर्मेशन क्या हुई, उसका क्या बैकग्राउंड था, वो एनएसजी की फाउंडेशन क्यों रखी गई, ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनएसजी अगर आप देखें तो एनएसजी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो बनी थी 1974 में। ठीक है, 1974 में ही ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी, इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के पीछे इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आप लोग कहेंगे कि सर इंडिया इसका मेंबर तो है नहीं, तो इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले किया। इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल इसीलिए प्ले किया क्योंकि जब इंडिया ने, आप सब जानते हैं, 1974 में हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसको हमने बोला कि वो एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। ठीक है, तो पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट के नाम से हमने वो टेस्ट किया और 1974 में वो टेस्ट किया हमने पोखरण में, ठीक है, जिसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। तो उस टेस्ट के बाद जो डेवलप्ड पावर्स थे या जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो प्रमोट कर रही कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज थी, उन्होंने देखा कि इंडिया जैसी एक डेवलपिंग कंट्री जिसने ना तो एनपीटी साइन की है और जो ना ही किसी मूड में दिख रही थी एनपीटी साइन करने के, उसने एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। तो वो सब घबरा गए कि अगर ऐसे कंट्रीज जो है ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे तो जो उनकी पहल है कि न्यूक्लियर जो डिसआर्ममेंट की तरफ वो जाना चाहते थे और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना चाहते थे, वो उनको खतरे में पड़ती दिखी। तो इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया, इस ग्रुप में वो सारी कंट्रियां थी जिनमें आप देखें तो अगर जो न्यूक्लियर टेस्ट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम, ठीक है, तो जो कंट्रीज के पास ये रिसोर्सिस थे उन कंट्रीज के साथ मिलकर ये एक ग्रुप बनाया गया ताकि इंडिया जैसे जो देश हैं उनके पास ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ही ना हो पाए जिसकी वजह से वो फिर आगे चलकर न्यूक्लियर टेस्ट्स कर पाए। ठीक है, अगर आपके पास यूरेनियम फ्यूल ही नहीं है, आपके पास जो न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए जो एसेंशियल फ्यूल्स हैं वो ही नहीं है, तो आप न्यूक्लियर टेस्ट कैसे करोगे। तो इसी वजह से ये एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम रखा गया एनएसजी। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, ये इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम, एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है। मल्टीलेटरल क्यों, क्योंकि यहां पर दो से बहुत ज्यादा कंट्रीज जो है इस ग्रुप में शामिल हैं। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज, ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज दैट सीक टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जो ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना बढ़े, न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल ना हो कंट्रीज के पास, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया के पास, ठीक है। और जो पहली एनएसजी की मीटिंग हुई वो कहां हुई थी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे फैक्चुअली सवाल में पूछा जा सकता है कि पहली एनएसजी की मीटिंग कहां हुई। तो पहली आपकी जो एनएसजी की मीटिंग थी वो हुई थी लंदन में, और वो हुई थी 1975 में। इसी वजह से, इसी कारण से जो आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, इसको लंदन क्लब के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, लंदन क्लब के नाम से भी इस ग्रुप को जाना जाता है। बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी सीधा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो लंदन क्लब के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि आपके ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं बन चुके हैं। आप किस तरह से स्टेटमेंट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हमको ये बताओ भैया, ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, क्या ये इंडिया के पोखरण वन करने की वजह से बना था? तो आप कहोगे हाँ, ठीक है, उसमें ये स्टेटमेंट की जगह कि इंडिया की वजह से हुआ था, किसी और कंट्री का नाम लिखा हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको जो है एग्जाम में फंसाने की कोशिश की जाती है। दूसरा आपसे स्टेटमेंट ये पूछ सकता है कि क्या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को ही लंदन क्लब के नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहोगे हाँ, तो वहां पर भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना है। एग्जामिनर सिर्फ आपकी नॉलेज को जज नहीं कर रहा है, एग्जामिनर जो है वो आपकी साइकोलॉजी को भी जज कर रहा है। तो उसको आपने अपनी साइकोलॉजी से बिल्कुल भी खेलने नहीं देना, ठीक है, हमने उसको साइकोलॉजी से अपनी नहीं खेलने देना है, हमें तैयार रहना है, ठीक है, जो भी वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमारे साथ करना चाहता है वो कर ले, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम क्या है, एग्जाम भी एक तरह का बैटल है, पर वहां पर हथियार नहीं चलते, वहां पर साइकोलॉजी चलती है एग्जामिनर की। कभी भी यह मत सोचना कि एक एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ तुमसे तुम्हारी नॉलेज चेक करना चाहता है, वो ये भी चेक कर रहा है कि तुम साइकोलॉजिकली कितना अलर्ट हो, क्या तुम चीजों को समझ पा रहे हो। आगे देखते हैं, अब आपका जो एनएसजी है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो बन गया, पर क्या ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट डिफरेंस माय फ्रेंड्स इज दैट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके पास उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, उसके मेंबर्स के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, सारा सब कुछ सेट होता है, चेयर होती है, मीटिंग होती है, सब होता है। पर नॉन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी उसके मेंबर्स हैं उनकी वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो डिसीजन होता है एनएसजी ग्रुप में वो कंसेंसस से होता है, ऐसा नहीं है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है और नामीबिया भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है, तो ऐसा नहीं है कि यूएस की उसमें से ज्यादा होगी, कि अगर यूएस ने बोल दिया कि इंडिया को एनएसजी का मेंबर बनाओ और नामीबिया ने बोल दिया कि नहीं बनाना, तो यूएस के बोलने से इंडिया उसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर नामीबिया ने कह दिया कि हमें इंडिया को नहीं लेना, उन्होंने सीधा जो है क्रॉस लगा दिया कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बनेगा, तो कोई भी चाहे 47 के 47 मेंबर्स हों आपके जिन्होंने कहा हो कि इंडिया मेंबर बनेगा, पर नामीबिया ने अगर मना कर दिया तो इंडिया मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि कंसेंसस से जो है वो डिसीजन वहां पर लिया जाता है। क्लियर है? अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि कई बार अगर एग्जामिनर को आपको थोड़ा सा और पेपर को टफ बनाना हुआ, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स से जो भी हमने देखा है एनएसजी के बारे में, अगर उसको थोड़ा सा टफ बनाना है एग्जाम को, तो वो आपसे क्राइटेरिया का एक आधा पॉइंट डाल देगा और कह देगा कि भाई इसमें बताओ कि सही गलत कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपकी एबिलिटी, जो वो देश हैं एनएसजी मेंबर्स हैं उनकी एबिलिटी होनी चाहिए वो कुछ सेलेक्टेड आइटम्स को सप्लाई करने की एबिलिटी, ठीक है, जो एनएक्स वन और एनएक्स टू में लिस्टेड है, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं उसकी एनएक्स वन और एनएक्स टू में जो भी आइटम्स लिस्टेड हैं वो सप्लाई कर पाए। अब वो आइटम्स क्या हैं उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना डिटेल हमें जाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर वो चीज नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरी, एडहेरेंस टू द गाइडलाइंस, जो भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो भी गाइडलाइंस फ्रेम की हैं उन गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। तीसरा, एनफोर्समेंट ऑफ लीगली बेस्ड डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने तो एक गाइडलाइंस दे दी, लेकिन
उस देश को जो एनएसजी का मेंबर है उसको खुद से भी गाइडलाइंस जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, एक एक्ट लेकर आना पड़ेगा ताकि वो डोमेस्टिकली उस एक्सपोर्ट को रोक सकें, ठीक है, चाहे वो लीगली हो चाहे वो इलीगली हो, वो उन आइटम्स के एक्सपोर्ट को रोक सकें जो आपके एनएक्स वन और एनएक्स टू में लिस्टेड है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कॉम्प्लायंस विद ऑब्लिगेशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट, जो भी नॉन प्रोलिफरेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो, ठीक है, या सीबीडीटी हो, जो भी है उससे भी उनको अप्रूव करनी पड़ेगी डोमेस्टिकली, ये इनके क्राइटेरियाज हैं। उसके अलावा सपोर्ट टू इंटरनेशनल एफर्ट्स टुवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन, जो भी इंटरनेशनली एफर्ट्स चल रहे हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए उसमें भी इन देशों को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहां तक तो बात हमने समझ ली। अब आप सब जानते हैं कि इंडिया इज करंटली नॉट द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, हम अभी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर नहीं है, बट हम कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हैं टू बिकम इट्स मेंबर, ठीक है। तो ऐसा क्या है एनएसजी में कि हम उसको पुश कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि इट इज हाईली अनइम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, कुछ इंडियन जो हमारे देश में ही कुछ लोगों का यह मानना है कि ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कि हम बिना बात ही अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ये एनएसजी की मेंबरशिप के लिए, पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? उनका यह मानना है कि देखिए हमें 2008 में यूएस से वेवर मिल गया, ठीक है, न्यूक्लियर वेवर मिल गया हमको, अब यूएस ने हमें ये कह दिया कि ठीक है इंडिया क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है तो हम उन्हें अलाउ करते हैं कि वो इंपोर्ट कर सके न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह, यूएस से वेवर मिल गया और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज से और भी हमारी बात चल रही थी और काफी उसे मिला भी है। तो इसी वजह से काफी लोगों का ये कहना है कि यार अब एनएसजी का पार्ट बने या ना बने, हमारे पास जो है फ्यूल तो आ ही रहा है, जो हमारा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए फ्यूल तो आ ही रहा है, तो इतनी टेंशन काहे लेते हो भैया कि भाई एनएसजी का पार्ट बनना है। तो सिर्फ फ्यूल की बात नहीं है, इसमें और बहुत सारे एनालिटिकल चीजें हैं कि हम क्यों एनएसजी का मेंबर बनना चाहते हैं। सबसे पहला तो यह है कि अभी इंडिया को एज एन आउटलायर, मतलब बाहर वाला होता है ना, जैसे हम कहते हैं भाई घर घर के लोग बैठे हैं तो कोई बाहर से आ जाए तो हम उसे शक की नजरों से देखते हैं कि कहीं चोर डाकू गुंडा तो नहीं है, इंडिया को भी अभी ऐसे ही समझा जाता है नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम में, क्योंकि इंडिया ने तो साफ मना कर दिया कि भाई हम तो एनपीटी पर साइन नहीं करेंगे, या तो सारे देश करें, हम अकेले क्यों करें, जबकि हम इतनी डेंजरस, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो आप सब जानते हैं कि साउथ एशिया जहां पर इंडिया है वो कितना एक हॉटस्पॉट वाला रीजन है, ठीक है, हमारे नेबर्स में पाकिस्तान है, चाइना है, जहां से हमें कंटिन्यूअसली थ्रेट बना हुआ है, ठीक है, अगर हम नॉन प्रोलिफरेशन साइन कर देंगे तो अगर कल को कोई डेंजर निकल के आता है तो हम कैसे निपटेंगे उससे, ठीक है, तो इंडिया को एक बाहर वाला समझा जाता है। तो अगर इंडिया इसमें आ जाता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में तो हम बाहर वाले से घर वाले बन जाएंगे, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, हमारी इमेज इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दूसरा, अगर एनएसजी के मेंबर बन जाते हैं तो हम बाकी कंट्रीज के साथ डील कर सकेंगे, ठीक है, और कंट्रीज आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी करेंगी, इससे क्या होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आएगी। दूसरा, ये सिर्फ इंपोर्ट्स को बूस्ट नहीं करेगा, अब आप लोग कहोगे कि सर ये साइन हो गई तो इंडिया और ज्यादा इंपोर्ट करेगा, फिर कई लोग जो है अर्थशास्त्र में चले जाएंगे, कहेंगे हमारा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ जाएगा, तो ये तो और नुकसान हो गया। तो दोस्तों, सिर्फ इंपोर्ट नहीं बढ़ेगा, इससे एक्सपोर्ट भी तो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, अभी जो टेक्नोलॉजी आप सप्लाई नहीं कर सकते दूसरे देशों में, ठीक है, जैसे बांग्लादेश या जो भी छोटे देश हैं वहां पर आप नहीं सप्लाई कर सकते, अगर आप एनएसजी के मेंबर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उनको वेपन्स नहीं, और भी जो चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हैं, वो आप इजीली सप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो उससे आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बूस्ट हो जाएंगे। उसके अलावा मेक इन इंडिया में हेल्प करेगा, ऐसे अगर हमारे पास एक्सपोर्ट करने का एक जरिया खुलेगा तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्री सेट होगी इंडिया में, ठीक है, इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो प्रमोट होंगे इन चीजों को बनाने में, तो हमारा मेक इन इंडिया भी यहां पर इंप्रूव होगा। और दूसरा, इंडिया का देखिए स्टेटस भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया एनएसजी का मेंबर बन जाता है तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहला देश होगा ऐसा जिसने ना तो एनपीटी साइन की है फिर भी वो एनएसजी का मेंबर है, ठीक है, तो रुतबा तो बनेगा ना अपना कि भाई देखो एनपीटी भी नहीं साइन की भाई ने और फिर भी जो है एनएसजी का मेंबर बना हुआ है, तो वहां पर भी अपने को फायदा है। दूसरा, क्लीन एनर्जी प्रमोट होगी, देखो दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी जो है आपका क्लीन एनर्जी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है,
ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है न्यूक्लियर एनर्जी आपकी क्लीन एनर्जी में। तो जब तक आपकी न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आएगी तब तक आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होंगे। किन टारगेट्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं? अब 2015 का पेरिस एग्रीमेंट आप सब जानते हैं, ठीक है। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में हमने बोल दिया कि जो हमारा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, हमने ये बोला कि हम 2040 तक 40% जो कार्बन वगैरह है उसको कम कर देंगे और क्लीन एनर्जी की तरफ हम चले जाएंगे। तो वो 40% का टारगेट आप तब तक नहीं अचीव कर सकते जब तक आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी ना हो, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो आपकी क्लीन एनर्जी है, समझ रहे हो। उसके बाद अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाता है उससे क्या फायदा होगा? देखिए, अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको कुछ देश यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए। मैं यहां पर एग्जांपल आपको देना चाहूंगा चाइना का, ठीक है। चाइना इसको अपने पर्पस के लिए, अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को, ठीक है। उसको इंडिया से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम क्या है, वो कभी कहता है कि पाकिस्तान को भी एनएसजी का मेंबर बनाओ, क्योंकि ज्यादातर चाइना ही हमारे लिए हिंड्रेंस बन रहा है एनएसजी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इसको यूज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको लगता है कि इंडिया एक जो है जिम्मेदार देश नहीं है, अगर हमने इसको एनएसजी का वेवर दे दिया तो ये जिम्मेदारी से उसको नहीं निभा पाएगा, ठीक है। उसके और अपने पॉलिटिकल रीजंस हैं, अपने जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया की मेंबरशिप में हिंड्रेंस डाल रहा है। तो अगर ये चीज हो जाती है कि इंडिया अपनी मेंबरशिप किसी तरह से अप्रूव करा पाता है, तो हम ये सिद्ध कर देंगे इस देश में कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मेरिट के पर्पस पे काम करती हैं, मेरिट देखकर काम करती हैं, ठीक है। ये किसी भी देश की जागीर नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर देश की जागीर नहीं है जिसको वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज कर सके, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप सब? अभी तो ऐसा ही हो रहा है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप इंटरनेशनली देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर ऑर्गेनाइजेशन का माई बाप बना बैठा है कोई ना कोई देश, और वो उसको अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। पर हम चाहते हैं कि हम इस चीज को बदलें, तो और ये हमें इस चीज में हेल्प करेगा। अब देखिए, इंडिया का जो एनएसजी मेंबरशिप के लिए हम अप्लाई करते हैं उसको सपोर्ट करने वाले बहुत बड़े बड़े देश भी हैं, जैसे आपका यूएस है, रशिया है, फ्रांस, यूके, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों ने कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट किया है एनएसजी की मेंबरशिप के लिए। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये इंटरनेशनल एरिना में चाइना का आइसोलेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है कि चाइना इज स्टैंडिंग एज एन आइसोलेटेड कंट्री, समझ रहे हैं आप, क्योंकि चाइना ही अड़ंगा अड़ा रहा है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, नामीबिया, एक अफ्रीकन देश, चौथा लार्जेस्ट यूरेनियम का प्रोड्यूसर, वो क्या कहता है 2009 में कि मैं तैयार हूं इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करने में। हालांकि नामीबिया हमें यूरेनियम सप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि अफ्रीका में आपकी एक ट्रीटी चलती है जिसके जरिए वो ऐसे मटेरियल्स जो है वो सप्लाई नहीं कर सकते, एंड बिकॉज नामीबिया हैज साइंड दैट ट्रीटी, ठीक है, उस वजह से इंडिया को वो सप्लाई नहीं कर पाया, पेलिंदाबा ट्रीटी जिसको आप बोलते हैं। तो वो ट्रीटी की डिस्कशन में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मेंबर्स जो हैं वो तैयार हैं इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्लोबली हाँ इंडिया को कितना एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो चाइना के क्या रीजंस हैं, चाइना किन रीजंस से इंडिया की मेंबरशिप को डिनाई करता है, वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो चाइना क्या कहता है कि भाई अगर इंडिया को तुम्हें मेंबर बनाना है तो बनाओ, पर मेरे दोस्त को भी मेंबरशिप दो। और चाइना का दोस्त कौन है? चाइना अपने इस दोस्त के लिए, पाकिस्तान के लिए भी मेंबरशिप चाहता है। कह रहा है पाकिस्तान को भी मेंबरशिप दे दो, मैं इंडिया की मेंबरशिप भी अप्रूव कर दूंगा। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी सवाल उठाती है और इंडिया भी यह सवाल पूछता है कि आप किस बेसिस पे इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट कर रहे हो भैया, किस बेसिस पे पाकिस्तान को और इंडिया को इक्वेट कर रहे हो? इंडिया का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को भैया हमने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, ठीक है। जो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से हमने दोनों को अलग रखा है, सिविल और मिलिट्री को। और सिविल वाले में इंस्पेक्शन करने के लिए जो भी आईएई के मेंबर्स आते हैं उनको भी परमिशन मिलती है कि हाँ भाई हमारी सिविल न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको आप चेक कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि पाकिस्तान ने आज भी अपने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अलग नहीं किया। तो आप किस बेस पे इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट करते हो, ये हमारा उनसे सबसे बड़ा सवाल है डिप्लोमेटिकली। दूसरा, चाइना कहता है कि इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, तो जब तक इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं बन जाता तब तक हम उसको एनएसजी का मेंबर नहीं बना सकते। तो
एनएसजी की गाइडलाइंस में तो ये लिखा ही नहीं, एनएसजी की गाइडलाइंस में तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि मेंबर बनने के लिए पहले एनपीटी ट्रीटी साइन करो। भाई गाइडलाइंस में लिख दो, फिर हम ठीक है हम मान लेंगे कि भाई गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि पहले एनपीटी ज्वाइन करोगे तो ही तुम्हें एनएसजी का मेंबर बनेगा, पर गाइडलाइंस में तो कहीं पे भी नहीं लिखा। चलो ये तो हुए चाइना के रीजंस। अब चाइना जो इतनी बात करता है जिम्मेदारी की, तो क्या चाइना खुद जिम्मेदार है न्यूक्लियर रिजाइम में? क्या चाइना खुद जिम्मेदार है? आई वुड से दैट चाइना इज अ नोटोरियस प्रोलिफरेटर। चाइना इज अ नोटोरियस प्रोलिफरेटर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? चाइना एक नोटोरियस प्रोलिफरेटर क्यों है? आप सोचिए कि क्यों चाइना एक नोटोरियस प्रोलिफरेटर है? क्या चाइना एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है या वो एक नोटोरियस प्रोलिफरेटर है? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। लीबिया में अलकायदा के पास न्यूक्लियर मटेरियल पहुंचा, हाथ किसका? चाइना का। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स के पीछे सपोर्ट किसका? चाइना का। ईरान में जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हुआ उसमें हाथ किसका? चाइना का। पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे हैं उनमें सपोर्ट किसका? चाइना का। तो चाइना किन बेसिस पे जिम्मेदारी की बात कर रहा है? ठीक है, आप एनालिटिकली अपने आंसर में जब आप यूपीएससी के मेंस के आंसर लिखेंगे आप डाल सकते हैं, ये सब पॉइंट्स आप डाल सकते हैं कि इंडिया की जिम्मेदारी इंडिया ने कहां दिखाई, हमने अपना सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को अलग रखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, हम और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं। अगर आप देखें हमारे पास पाकिस्तान से भी कम न्यूक्लियर वेपन्स हैं। भैया हमारे पास पाकिस्तान से भी कम न्यूक्लियर वेपन्स हैं क्योंकि हमारा ये मानना नहीं है कि हम न्यूक्लियर आर्म रेस में नहीं चल रहे, हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए ठीक है न्यूक्लियर बम बना लिए, लेकिन हमें ये नहीं है कि हमें भाई न्यूक्लियर बम्बों की पूरी एक बारात सजानी है ना, हमने अपनी सेफ्टी के लिए बनाए हैं जो बनाए हैं और हम वो उस पर जो है अमल है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली चाइना ने इंडिया की बिड को रोका है और अभी तक इंडिया को कामयाबी नहीं मिली है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या इंडिया कंटिन्यूअसली फेल हो रहा है, दे आर यूजिंग द वर्ड फेल, ठीक है, क्या ये एक वर्ड सही है, द वर्ड फेल ये बोलना सही है? तो आई वुड से दैट यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज डिप्लोमेसी में दोस्तों पास या फेल नहीं होता, ठीक है, डिप्लोमेसी इज लाइक लाइफ, ठीक है, जैसे लाइफ में आपको कुछ अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है ना, वैसे ही डिप्लोमेसी में भी आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर आप ये सोच लो कि आप पहली बार में सब कुछ अचीव कर जाओगे, आप आज रात को सोए और सुबह उठे आपने न्यूज़पेपर खोला था हिंदू, उसमें हेडिंग लिखी हुई है इंडिया हैज बिकम द न्यू सुपर पावर, ऐसा तो नहीं होता ना, इट विल टेक टाइम। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगते हो, ऐसा तो नहीं है ना एक महीने पहले आपने फॉर्म भरा, जब फॉर्म्स निकले थे एप्लीकेशन के आपने अप्लाई किया उसी दिन से आपने तैयारी करनी शुरू की और आपका प्रीलिम्स क्रैक हो गया या आप आईएएस बन गए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सेम थिंग इज विद डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी में भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सब कुछ अचीव हो जाए। तो आई वुड नॉट से कि इंडिया फेल हुआ है, इंडिया इज ट्राइंग एंड फॉर श्योर वी विल अचीव आवर गोल्स वन डे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे एनएसजी के एनालिसिस, वैसे ही आपको सिमिलरली आप शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल के हिसाब से जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक होगा वो आपको पीरियोडिकली उसके प्री और मेंस के हिसाब से जो भी एनालिसिस होंगे वो मिलते रहेंगे। सो जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा आप लोगों को ये होगा कि कंटिन्यूअसली आपको जो वीडियो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है, तो आपको उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको याद रहे या भूल गए, आपको कंटिन्यूअसली आपके अपडेट्स मिलते रहेंगे, जब भी जो भी वीडियो हमारा चैनल पर जाएगा वो आपको मिलता रहेगा और इससे आपके जो टॉपिक्स हैं जैसे फ्रिंज टॉपिक्स हैं एनएसजी जैसे ये कंटिन्यूअसली रिवाइज होते रहेंगे। तो प्लीज़ भूलना मत, और हमारी वेबसाइट की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में रहेंगी और जो हमारे एसोसिएटेड बाकी के चैनल्स हैं फॉर एग्जांपल बैंकिंग या अगर आप सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, डिफेंस में आप जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है हमारे लिंक्स सारे अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक खोलकर वहां पर जा सकते हैं। सो अभी के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।